गाइज, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों कैटेगरी में आपका हाइट जो चाहिए मैक्सिमम 170। हेलो जी, दिस इज अंकुश और आप सबका स्वागत है डुअर्स इन द ब्लॉक के चैनल पे। आज जो कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना ताकि समझ आए आप सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो को अगर स्किप कर दोगे ना तो आपको कुछ बातें समझ भी नहीं आएगा ठीक से। शुरू करते हैं ये वाला वीडियो को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कि एसएससी जीडी 2024 में फिजिकल कैसे पास हो जाए। इसके लिए आपको सुबह का टाइम दोस्तों, जब आप रनिंग करने निकलो तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेना, ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट जैसे एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लेना, वर्कआउट वगैरह वगैरह। जब आप रनिंग करने निकलोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर जैसे कंप्लीट करना सुबह को। अगर शाम को अगर आपको वक्त मिलता है तो उसमें आप 5 किलोमीटर ट्राई कर सकते हो, आराम से हो जाएगा इजीली 1 या 2 दिन में। गाइज, ज्यादा से ज्यादा खींचने का कोशिश मत करना कि आपका पेट दुखना चालू हो जाए या फिर आपका पैर भी दुख सकता है। कोशिश करना 4 या 5 दिन के बाद आप आराम से 5 किलोमीटर आराम से ट्राई करें कि आपको प्रॉब्लम भी ना हो। कई बंदे मतलब फिजिकल को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं कि फिजिकल पास कैसे होए ना हो जाए। देखो, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, सुबह एक टाइम करके रनिंग करना एंड शाम को भी एक टाइम करके, अगर वक्त मिले तो ही जाना रनिंग करने। बाकी अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो सुबह के टाइम पे भी आप इजीली 5 किलोमीटर ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा, लेकिन गाइज एक बात बता दूं आपको, ज्यादा से ज्यादा टाइम अभी मोबाइल पे चेक करना ही नहीं है, मोबाइल या घड़ी कहीं पे भी चेक करना नहीं है। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है आपके रनिंग पे, आपका इजीली हो रहा है या फिर थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो रहा है उसमें ध्यान देना है आपको। बाद में अगर आपका 5 किलोमीटर अगर हो रहा है रेगुलरली तो जाके आप टाइम देख देख के दौड़ सकते हैं आराम से। डाइट प्लान का भी मैं बात कर देता हूँ ये वाला वीडियो पे। देखो, सुबह अगर रनिंग करने जा रहे हो तो आपका बॉडी पे एनर्जी भी चाहिए ना, तो इसीलिए आप मैं रिकमेंड करूंगा ज्यादा से ज्यादा केला खाएं सुबह के वक्त। केला और चना, ये दो चीज, छातू वगैरह मिलता है तो छातू के लिए आपको दूध नहीं चाहिए, छातू हो जाएगा एंड गर्म पानी के साथ आप इजीली ले सकते हो उसको, वो भी डाइट प्लान में आप शामिल कर सकते हो सुबह के वक्त। और घर का खाना आराम से 2 या 3 टाइम आपका जितना भी हो आप इजीली खाओ। कई बंदे मुझे कमेंट कर पूछ रहा था कि भाई आप कहाँ से हो, आपका कास्ट क्या है, आपका स्कोर कितना है। मैंने इससे पहले वाला भी ब्लॉग पे भी बताया था कि मेरा कास्ट ओबीसी है, मेरा स्कोर 90+ है, मैं वेस्ट बंगाल अलीपुर द्वार का रहने वाला हूँ। बाकी वर्कआउट वगैरह आप यूट्यूब से देख सकते हो कि रनिंग से पहले वर्कआउट कैसे किया जाए, वो सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मैंने भी बहुत सारा देखा है। अभी मेरा ऑलमोस्ट आ रहा है 5 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 23 मिनट और कुछ सेकेंड्स में मेरा 5 किलोमीटर कम्प्लीट हो रहा है। मैंने कल ही चेक किया था और आज से मतलब मैंने देखना थोड़ा बहुत बंद कर दिया, क्योंकि ज्यादा ही थकान हो जाता है। मतलब मोबाइल को देख लो ना आप एक बार, मतलब टाइम को अगर देख लो एकदम हड़बड़ी सा लग जाता है सीने में कि कब पहुंचे कब पहुंचे कब पहुंचे, टाइम इतना मैनेजमेंट के लिए दिमाग खराब हो जाता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको अभी मत चेक करना कि आपका कितना टाइम आ रहा है नहीं आ रहा है, जितना भी होगा बाद में देख लेना गाइज। एंड हाइट गाइज, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों कैटेगरी में आपका हाइट जो चाहिए मैक्सिमम 170। और मेरा हाइट है 170 के आजू बाजू ही होगा, मुझे भी नहीं पता, मैंने अभी तक मेजरमेंट नहीं किया। मेरा जो चेस्ट चाहिए वो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल चाहिए और चेस्ट को फुला के 5 सेंटीमीटर ज्यादा चाहिए ओबीसी कैटेगरी पे, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल पे। और गाइस, शुरू शुरू में ज्यादा हड़बड़ी वाला रनिंग नहीं करना है, आराम आराम से रनिंग करना है। जैसे कि मिला लो आप 4 मिनट में 1 किलोमीटर ट्राई करना धीरे धीरे करके। अगर 1 किलोमीटर अगर 4 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है तो आप सबको मिल जा रहा है 20 मिनट में। 20 मिनट में अगर 5 किलोमीटर हो जा रहा है, नहीं 20 में तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ट्राई करना 20 से 22 मिनट में आप पहुंचने का, मतलब 5 किलोमीटर में। अभी हड़बड़ी मत करना कि धीरे 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 धीरे, जब जब डेट आ जाएगा उसका 1 हफ्ता पहले आप चेक कर सकते हो कि आपका रनिंग कितना हो रहा है, कितना स्पीड में हो रहा है, वो चेक करना। मतलब ज्यादा स्पीड में भी नहीं करना है, आराम आराम से करना है। आज संडे बोल के मुझे मौका मिला है कि थोड़ा वीडियो वीडियो बना लूँ बोल के, बाहर इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि घर पे फैन ऑन करके बैठना पड़ रहा है और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी। कुछ बंदे मुझे कमेंट करके पूछ रहा था कि आपका इस बार एसएससी जीडी 2024 में जो एग्जाम रिटर्न एग्जाम पास हुआ था मैंने, तो उसी को लेकर कुछ बंदे मुझे पूछा था कि कहाँ से क्लास लिया था नहीं लिया था बोल के। तो RWA सस्ता प्राइस में अपना कोर्स सब है वो सब सेल आउट कर रहा था, तो मैंने भी वहीं से खरीदा था, अप्रोक्स 700 में मिला था मुझे RWA से एसएससी जीडी 2024 के लिए। अगर टाइम टेबल के बात बता दूं तो दिन में ज्यादा मुझे समय नहीं मिलता था
उस टाइम पे मैं ज्यादा से ज्यादा रात को ही पढ़ने बैठा था, मैक्सिमम 8 से 9 घंटे जैसे रात को पढ़ाई लिखाई हो जाता था मेरा, और दिन में मुझे मौका मिलता था मतलब फ्री टाइम मिलता था तो उस टाइम पे मैं मॉक टेस्ट वगैरह लगा लेता था। बस इतना ही वीडियो था, आई होप आप सबको ये वाला वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, और आप सबका जो रनिंग का टाइम है, जो भी बंदे अभी देख रहे हो टाइम, तो उस हिसाब से आप कमेंट कर सकते हो मुझे। बाकी धन्यवाद आप सबका इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। बाकी मिलते हैं आप सबसे एक और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।